ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ BHEL ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके क्लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BHEL बोलते हैं। पोस्ट नेम इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज 145 है, यानी कि इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट 145 वैकेंसी के लिए निकाली गई है। नोटिफिकेशन डेट 16 अप्रैल 2019 है। क्लोजिंग डेट 6 मई 2019 है, यानी कि 16 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर 6 मई 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, दोस्तों ये भर्ती गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया के अंदर होगी। और मैं आपको बता दूँ, आप अक्रॉस इंडिया से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती में आवेदन कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट BHEL.com, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल बताता हूँ कि किस डिसिप्लिन के लिए कितने पद निकाले गए हैं। मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए 40 पद है, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 पद है, सिविल के लिए 20 पद है, केमिकल के लिए 10 पद है, HR के लिए 20 पद है, फाइनेंस के लिए 25 पद है, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 145 पद। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कंप्लीटेड ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इनमें से किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो आपके पास डिग्री है, जो भी आपके पास डिग्री है, वो इनमें से किसी एक फील्ड के अंदर होनी चाहिए, यानी कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन मैंने आपको अभी बताई है। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट, यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सैलरी आपको जो दी जाएगी इन पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में, वह है 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये पर मंथ। एप्लीकेशन फ़ी आपको कितनी देनी होगी अप्लाई करने के लिए। जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी अप्लाई करने के लिए, और SC ST EX सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹300 आवेदन के तौर पर देने होंगे, जब आपको इसमें फॉर्म फिल करना होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है BHEL.com। इसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको उस फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि आपसे वहां पर मांगी जाए, और साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। और इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पेड कर देनी है, और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। अभी दोस्तों, मैंने आपको एक नॉर्मल वे बताया अप्लाई करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ स्टेप टू स्टेप की अप्लाई कैसे करना है और उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप इसमें कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपके ज़्यादा मात्रा में कमेंट आते हैं, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन स्टेप टू स्टेप कैसे करना है उसके बारे में जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अप्लाई ऑनलाइन का लिंक चेक करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है। आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन
का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके उस पेज पर चले जाओगे जहाँ से आपको अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहां पर देख सकते हो वैकेंसी डिटेल, यहां पर आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं। यहां पर आपको एग्जैक्टली बताया गया कि किस पोस्ट के लिए आपसे कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि इंजीनियर ट्रेनी इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल में आपसे जो योग्यता मांगी गई है वो फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री या आपके पास ये होनी चाहिए, या फिर डबल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल और सिविल और केमिकल। यानी कि जहाँ पर आपको और का निशान दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई एक योग्यता है तो आप तब इन डिसिप्लिन में अप्लाई कर पाओगे। आयु सीमा भी आप उनके सामने देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो उसके बराबर की योग्यता वो यहाँ पर दी गई है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास ये योग्यता नहीं है और हमारे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि अगर आपके पास जो अभी ऊपर क्वालिफिकेशन थी वो नहीं है और इनमें से कोई क्वालिफिकेशन के अंदर आपका डिसिप्लिन इन डिसिप्लिन के अंदर आपकी योग्यता है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी दी गई है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी कैंडिडेट्स को आयु सीमा के अंदर कितनी छूट दी जा रही है। यहाँ पर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट और OBC NCL को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जा रही है, और जो PWD है उनको 10 साल की छूट अगर जनरल से है तो दी जा रही है, अगर OBC NCL से है तो 13 साल की छूट दी जा रही है, और अगर SC ST से है तो 15 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जा रही है। और दोस्तों ये थी इसके अंदर की मेन जानकारी जो है भर्ती लिए जो है उसके बारे में। यहाँ पर आप सैलरी के बारे में अपनी जानकारी कंफर्म कर सकते हो कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं जल्द ही एक अन्य वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।